हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ड्रोन की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मिनी ड्रोन है और ये हेलीक्यूट कंपनी की तरफ से आने वाला ड्रोन है जिसका नाम है स्काई वॉल्कर। तो यहाँ पर ये जो ड्रोन है इसके बॉक्स को आप अभी देख लीजिए अच्छे तरीके से। दोस्तों यहाँ पर ये ड्रोन दो कलर में अवेलेबल होता है, रेड कलर और ब्लू कलर में। बाकी इसके कई सारे मॉडल आते हैं विदाउट कैमरा के साथ, कैमरा के साथ और बेहतर कैमरा के साथ। बाकी दोस्तों ड्रोन तो ये काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी बढ़िया ड्रोन है और इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसके कुछ फंक्शन देख सकते हैं जैसे कि 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी, 1 की रिटर्न, हैंडलेस मोड, 6 एक्सिस जायरो, ऑटो ट्रिम, 360 फ्लिप करता है और बाकी इसमें 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग है। तो इस हिसाब से काफ़ी बढ़िया ड्रोन है। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो अभी सभी चीज़ों को मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके सबको दिखाऊंगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर हमें एक चार्जर मिलता है, जो कि चार्जर की वोल्टेज वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये 3.7 वोल्ट 600 मिली एम्पियर का चार्जर है, तो जैसे कि आपने देख लिया। और बाकी पैकेट के अंदर हमें 4 एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स देखने के लिए मिल जाती हैं जो कि हमारे ड्रोन में पहले से ही लगी हुई हैं, तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा हैं। आपके ड्रोन की प्रॉपलर जब डैमेज हो जाएंगी तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये है रिमोट जिसमें आपको 2 जॉयस्टिक देखने के लिए मिल जाती हैं। पहली वाली जॉयस्टिक से आप ड्रोन को अप डाउन लेफ्ट रोटेट राइट रोटेट कर सकते हैं, सेकंड वाली से फॉरवर्ड बैकवर्ड या लेफ्ट राइट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये ट्रिम बटन्स हैं और यहाँ पर बीच में भी आपको ट्रिम बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं और ऑन ऑफ का बटन देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की साइड में टेक ऑफ के लिए बटन और फ्लिप के लिए बटन देखने के लिए मिल जाता है और बैक साइड में इसमें बैटरी डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों इंडिकेटर लाइट तो आपको रिमोट में दिखाई दे ही रही होगी, तो चलिए अभी इस रिमोट को हम नीचे रखते हैं। मैंने आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया है, अभी इसका मैनुअल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका छोटा सा मैनुअल है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैनुअल को बनाया है। बैटरी कैसे चार्ज होती है, बैटरी रिमोट में कैसे डलती है, रिमोट की फुल फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपको बताया है। और बाद में देखिए रिमोट की एक एक की आपको लेफ्ट राइट फॉरवर्ड कर करके भी दिखाई हुई है कि कैसे ड्रोन फ्लाई होगा। तो चलिए मैनुअल को भी नीचे रखते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पर आप ड्रोन देख सकते हैं, काफ़ी छोटा सा और क्यूट सा ड्रोन है ये। देखने में तो यार एकदम मस्त लगता है और प्राइस भी इसका काफ़ी ज़्यादा कम है। ये मैंने 1600 रुपये में फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। तो यहाँ सामने की साइड में देख सकते हैं इसमें LED लाइट लगी है और यहाँ पर प्रॉपलर टूटने के तो यार इसमें कोई चांस ही नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से अंदर इसमें कवर है। प्रॉपलर गार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, प्रॉपलर गार्ड ही मान सकते हैं इसको जो इसका कवर है, तो प्रॉपलर तो डैमेज नहीं होगी बिल्कुल भी। बाकी स्काई वॉल्कर इसके ऊपर लिखा है और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है। जैसे कि देख सकते हैं ऑन करते ही इसकी इंडिकेटर लाइट जलने लगती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ड्रोन ऑन हो गया है। बाकी यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट है, तो ये हमारा चार्जर है। सिंपली ये क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे लगा देना है जिससे आपका जो ड्रोन है वो चार्ज हो जाएगा। यानी आपको कैसे पता चलेगा फुल चार्ज हो गया, आपके ये जो चार्जर है इस पर रेड कलर की लाइट जलती है, जब वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि आपका ड्रोन फुल चार्ज हो गया। उसके बाद आपको इस ड्रोन में से इस चार्जर को हटा लेना है। ये चार्ज होने में कम से कम 15 मिनट लेता है, 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद आप इसे 8 मिनट लगातार फ्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी रिमोट में बैटरी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पतली वाली सेल डलती हैं इसमें, जो कि आपको इस ड्रोन के साथ तो नहीं मिलेगी, अलग से आपको परचेज़ करनी होगी। 3 इसमें डलती हैं, आप चार्जेबल या नॉन चार्जेबल जो आपको मिले वो आप इसमें डाल सकते हैं, दोनों ही डल जाती हैं। तो बैटरी डल चुकी है, चलिए रिमोट को ऑन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं रिमोट ऑन हो चुका है। तो फिलहाल अभी इसमें ऑफ़ कर देता हूँ, सबसे पहले हमें ड्रोन को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ड्रोन को ऑन कर दिया है, अब आपको सिंपली अपने रिमोट को भी ऑन कर लेना है। तो देख सकते हैं रिमोट भी ऑन हो चुका है। अब आपको फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को एक बार अप एंड डाउन करना है, आपका रिमोट जो है वो ड्रोन से कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को अप डाउन करेंगे या अप करेंगे तो आपका ड्रोन फ्लाई नहीं होगा, सबसे पहले आपको टेक ऑफ के बटन को प्रेस करना होगा तो आपका ड्रोन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग।